फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। आज हम जा रहे हैं फिश लेने, मतलब हम नहीं, मैं जा रहा हूँ फिश लेने। कुछ ऑर्डर किया था स्पेशल, तो चल के देखते हैं कि कैसी आई है और आपको भी दिखाते हैं। चलो, ये यहाँ के ओनर मिस्टर रौनक असीजा। तो रौनक जी, वो हमने जो ऑर्डर दिया था वो फिश आ गई है? चलो देखते हैं क्या क्वालिटी आई है। दिखा भाई छोटू, देखो फ्रेंड्स, ये आई है फिशेस ट्राई कलर और इंडा में। ब्लैक, गोल्ड और इंडा भी आई है। ये पांडा भी कलर है, ये कलर है, बाकी ब्लैक में है। चलो अब देखते हैं इनमें से हम कौन सी पसंद करते हैं, कौन सी लेते हैं। और भी फिशेस दिखाता हूँ आपको अभी। तो फ्रेंड्स, ये जाइंट गुरामी भी आई है, ये रही एल्बिनो वाइट कलर। बाकी तो इसमें वही हैं, पैरेट, ऑस्कर, ये नॉर्मल गुरामी है ब्लू कलर की। और इंडा भी आई हुई है, अभी पानी डल रहा है, इसमें सफाई चल रही है, फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, कार फिश, गोल्ड फिश, बड़े साइज में, बड़े टैंक में। और ये सारे टॉयज आए हैं बड़े अच्छे अच्छे टैंक के लिए। देखो, इनकी कैट बैठी हुई है, इनके पास बिल्ली भी है, ये नकली नहीं है, असली है। देखा, हिल रही है, असली है। ये देखो कितना अच्छा टॉय है। ये सारे टॉयज हैं, आप देखते जाओ, एक एक करके दिखाता हूँ। जो अच्छा लगे आप यहाँ के ले सकते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। एक ये पीछे छुपा हुआ है, ये निकाल के दिखाता हूँ। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये है उल्लू। ढोलक, तो ये सारे टॉयज भी हैं, आप कोई भी टॉयज इनमें से ले सकते हो। चलो और फिश दिखाते हैं फ्रेंड। देखो, ये अपना एंजल प्लेटिनम वाइट, प्योर वाइट, एक ब्लैक भी है इसमें, मिक्स भी है और प्योर वाइट भी है। तो देखो, अब मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, एक्वेरियम ऊपर था, ये कलर है। अब इनमें से हम चूज़ करेंगे कौन सी लेनी है और फिर आपको घर चल के दिखाऊंगा मैंने कौन सी फिश ली है। देखो, ये सफाई हो गई है इसकी। ये और आई है अपने गोल्ड और अंडा रेड कैप, और इसमें छोटी छोटी जो दिख रही है पोलर पैरेट है ये। एकदम बढ़िया पीस हैं, एक नंबर के। ये चल रही है सफाई, ये भाई सब सफाई कर रहे हैं सब एक्वेरियम की, आज ही माल आया नया। फ्रेंड्स, फिश लेके मैं आ गया हूँ, और वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दिखाया था कौन सी लाया हूँ, वो ये 5 फिशेज हैं। 3 ट्राई कलर हैं, 2 ट्राई कलर हैं, 1 पांडा है और 2 रेड कैप और इंडाज हैं। अब ये एक्वेरियम में डाल के आपको दिखाते हैं, और भी सामान लाया हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पाइप्स हैं जिनके अंदर फिश छुप सकती है, ये चिकलेट्स के लिए और अपनी फैदर फिश के लिए ये लेके आया हूँ। ये जनरल एड है, जनरल एड मेडिसिन है, ये काफ़ी बड़ी, आधा लीटर की है, एंटी फंगस, ये लेके आया हूँ। और एक
ये टॉय लेके आया हूँ, मैंने आपको भी दिखाए थे वीडियो में, सब टॉयज़ हैं। एक मैंने भी ये टॉय लिया है मटका, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। और मेरे को इन सब लेने पे दो वाइप्स, फेस वाइप्स जो है फ्री मिले हैं। आज ऑफर चल रहा था वहाँ पे, मैंने आपको शॉप का नाम दिखाई दिया है। तो चलो एक्वेरियम में फिश छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ओपन कर रहे हैं, इस तरीके से रबड़ लगा देते हैं कि खुलते ही नहीं, काटने ही पड़ते। तो फ्रेंड्स पहली फिश हमने निकाल ली है, देखते हैं कौन सी। ये पांडा फिश है, पहली फिश है हमारी पांडा, देख लो। अभी मैंने इसको छोड़ दिया, देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं दूसरी निकालता हूँ, अब देखते हैं ये कौन सी आई है। ये है ट्राई कलर, ये ट्राई कलर है। ये हो गई थर्ड, ये भी ट्राई कलर है। ये थोड़ा डिफरेंट शेड में है, वो डिफरेंट थी ट्राई कलर। ये छोटी भी है उससे थोड़ी। उसके बाद ये आ गई ओरिंडा रेड कैप, देखो ये गई। और ये दूसरी ओरिंडा रेड कैप, बहुत ही बढ़िया कलर है इनके। और बाकी तो फिश आपको दिख ही रही होंगी इस टैंक में जो है। अब इसमें मेडिसिन डाल देते हैं, मेडिसिन डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन जो लाए थे, और अब इसकी बारी है, ये डालनी है। तो ये तो यूज़ करनी चाहिए, हर हफ्ते एक ढक्कन आपको ये डालनी चाहिए। ये देखो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा पानी का, और इससे आपकी फिशेस पुरानी नई जो भी हैं वो ठीक रहेंगी। नई लाओ तो भी डालना चाहिए, और पुरानी है तो भी डालना चाहिए। फ्रेंड्स न्यू फिश लाते हैं जनरली, एक तो हमें यूज़ कर रही हूँ तो पुरानी के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रेस हील जो मेडिसिन है, ये हमें जब भी हम नई फिश लाते हैं ये तो हमें यूज़ करनी ही चाहिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन हमें यूज़ करनी है। इससे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज हो। तो ये कम से कम एक ढक्कन आपको डालनी है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखो ये मेडिसिन डाली थी, इससे रंग तो चेंज हो गया, पर ये कलर एक दिन बाद अपने आप नॉर्मल भी हो जाएगा। पर आपकी फ़िश को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी, फ़िश को कोई हार्म नहीं होगा, कोई फ़िश मरेगी नहीं। और इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन बाय बाय।